भाजपा ने छोटकी खगड़ीहा में चलाया महाजनसंपर्क अभियान। बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खगड़ीहा में मंडल अध्यक्ष मीत नारायण के अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में मंडल के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में मंडल के प्रभारी महेंद्र प्रसाद वर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला के समिति सदस्य महेश राम, संतोष वर्मा, अरुण कुमार शर्मा, जनाब अंसारी, अकबर अंसारी, मोहन शर्मा, कामदेव तिवारी, जयप्रकाश वर्मा, भूषण पंडित, कैलाश वर्मा, गौरी शंकर पाठक, अर्जुन पंडित, टुन दुबे, राजेश पाठक, संतोष पाठक, संदीप दुबे, अजय पंडित, नरेश पंडित, वैजनाथ वर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के किए गए विकास कार्यों व उपलब्धि को लेकर घर घर संपर्क किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि योजनाओं पर चर्चा की गई। बताएंगे आज है छोटकी खड़िया मंडल के ग्राम छोटकी खड़िया बूथ नंबर 122 है पर भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के तहत यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और घर घर हम लोग पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी ये जान रहे हैं कि पिछले 9 साल जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है उसमें जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो अनगिनत विकास के कार्य चलाए गए हैं जिसकी उपलब्धि को लेकर हम गांव-गांव घर घर जा रहे हैं। क्योंकि जो आगामी 2024 में पुनः चुनाव होना है, आम चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है और फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखने के लिए ललचाते हैं। इस संदेश को हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई जान रहे हैं कि आज है जो 70 साल की सरकार हुई, 9 साल की सरकार की हम लोग तुलना कर रहे हैं कि आज से 9 साल पहले हमारे यहाँ की क्या स्थिति थी। क्या महिलाओं के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था थी क्या? क्या कोई गरीब के यहाँ रसोई गैस की व्यवस्था थी क्या? क्या कोई गरीब के यहाँ फ्री में अनाज मिलता था क्या? जी नहीं। क्या यहाँ जो गांव की जो सड़कें वो पक्की थी क्या? हर गांव में हर घर तक बिजली की व्यवस्था थी क्या? हर घर तक नल से जल की व्यवस्था थी क्या? तो ये सारी जो उपलब्धि है सरकार की और अपने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं विदेशों में भी भारत की डंका बज रही है, ये उपलब्धि माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। तो ये संदेश को हम लोग घर घर पहुंचाने का ये संपर्क अभियान चल रहा है और हम लोग घर घर जाएंगे, एक एक घर से संपर्क करेंगे। ये पार्टी का जो पर्ची है जिसमें हमारी सारी उपलब्धि, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम लोग देखते थे आज से 9 साल पहले एक पंचायत को मिलता था कितना, 2 यूनिट 3 यूनिट इस तरह का टारगेट मिलता था। आज एक एक पंचायत को 1,000 का टारगेट मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास का, अंबेडकर आवास बनाने का। और गरीब का कभी बैंक में खाता नहीं हुआ करता था जी। आज से 9 साल पहले अगर हम जाएं तो जो गिने चुने लोग थे, जो व्यवसायिक वर्ग के लोग थे, जो संपन्न परिवार के लोग थे, उनका बैंक में खाता हुआ करता था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर परिवार का खाता जन धन योजना के तहत खुलवाने का काम किया और तो और जो सरकार की बेनिफिट योजना है वो सीधा उसके खाता में जाता है, नो बिचौलिया, नो कमीशन जी। तो ये व्यवस्था अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात